नमस्कार मु अविनाश बिजनेस विशेष रे आपन को स्वागत। देश रे सृष्टि हेबो बड़ निजुक्ति सुजोग, विदेश रु आसीबो विपुल निवेश, बदलिबो देश अर्थनीतिर कायाकल्प। कारण देश रे प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि 12टी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी रे रहिबो अत्याधुनिक सुविधा सुजोग, भारतर प्राय प्रति कोण को छुइबो एही योजना। सरकार एहाकु गोल्डन नेकलेस बोली कहउछन्ती। तेबे एही योजना कोण, एथिरे कोण सुविधा मिलिबो, केउ सब राज्य रे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी किभळि डेवलप करा जिवो, जानंतु पूरा रिपोर्ट। 100 स्मार्ट सिटी परे एबे 12टी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी करिबाकु केंद्र सरकार घोषणा करिछंती। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापन पई मिलिछि मंजूरी। योजना अनुजाई देशर 10 राज्य रे 28,602 कोटी टंका निवेश रे 12टी इंडस्ट्रियल सहर प्रतिष्ठा करा जिवो। फळरे 10 लाख लोकंकु डायरेक्ट रोजगार एवं 30 लाख लोकंकु इनडायरेक्ट रोजगार मिलिबो, अर्थात समुदाय 40 लाख लोकंकु एहा द्वारा चाकरी मिलिबो। केन्द्र सरकारको सूचना अनुसार इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम अनुसार तयारी करा जायछि। केन्द्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछन्ति एही योजना द्वारा घरोई निर्माण को प्रोत्साहन मिलिबो। 10 राज्य रे व्याप्त 6 प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर भारतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता एवं आर्थिक विकास को बढ़ाइबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली मंत्री कहिछन्ति। प्रस्तावित 12 स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल सहर रे प्राय 1.52 लाख कोटी टंकार निवेश संभावना सृष्टि हेबो। उद्योगिक परिदृश्य को नुआ रूप देबो एवं नुआ नेटवर्क सृष्टि करिबो, जहां आर्थिक विकास एवं वैश्विक प्रतियोगिता को बढ़ाइबो एवं इंडस्ट्रियल क्षेत्र को विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड स्मार्ट सहर रूपे विकसित करा जिवो। एहा पूर्वरु बजेट भाषण रे मध्य केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जातीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP अनुसारी 12 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करबा नै सूचना देथिले। सेहिभळी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एहाकु इंडस्ट्रियल सहर रो गोल्डन नेकलेस एवं स्वर्ण चतुर्भुज रो मेरुदंड हेबो बोली कहिछन्ति। दसटी राज्यर 12टी सहरें इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा हेबो। तेबे केउ राज्यर केतोटी सहरें एहार प्रतिष्ठा कला जिवो, आम राज्य ओडिशा एही तालिकारे अछि कि नाही जानंतु। इंडस्ट्रियल क्षेत्र उत्तराखंड खुरुपिया, पंजाबर राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्रर दिघी, केरलर पलक्कड़, उत्तर प्रदेशर आग्रा एवं प्रयागराज, बिहारर गया, तेलंगानार जहीराबाद, आंध्रप्रदेशर ओभरभाकल एवं कोपरथी एवं राजस्थानर जोधपुर पालीरे सहर स्थापना हेबो। एही योजना स्वर्ण चतुर्भुजर मेरुदंड साजिबो। भारतर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब यात्रा रे एही इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट। एहा द्वारा देशर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हेबो, रोजगार बढ़िबो एवं निवेश मध्य आसिबो। एहा पूरा देश को जोड़िबो, एथिरे समग्र देशर विकास हेबो। इंडस्ट्री द्वारा 2030 सुधा $2 trillion रप्तानी करबाकु लक्ष्य रखा जायछि। रिपोर्ट अनुसार इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी रे ही कर्मचारी को निज परिवार सहित रहिबाकु सुविधा मिलिबो। एही अंचल रे रेलवे, एयरपोर्ट एवं अन्य परिवहन सुविधा सुगम हेबो। एठारे 24 घंटा बिजुली पीबा पानी सुविधा रहिबो। एठारे इंडस्ट्री इकोसिस्टम करा जिवो। 2027 सुधा एही प्रकल्प पूरा हेबार संभावना रहिछि। सहर को विश्वस्तरीय मानदंड अनुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भाबरे विकसित करथिबो। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हेले महाराष्ट्र रे प्राय 1.14 लाख लोकंकु चाकरी मिलिबो ओ तेलंगाना रे 1.74 लाख लोकंकु रोजगार मिलि पारिबो बोली कहा जाउछि। सेहिभळी निवेश कथा कहिले सबुठु अधिक महाराष्ट्र रे 38,000 कोटी एवं बिहार रे 16,000 कोटी टंका निवेश अनुमान करा जायछि। एथिपई 8 सहर रे काम आरंभ हो गलानी। सूचना अनुसार एहिभळी 8 इंडस्ट्रियल सहर उपरे पूर्वरु ही काम जारी रहिछि। 4 सहर गुजरात रो धोलेरा, महाराष्ट्र रो अरिक, मध्यप्रदेश रो विक्रम उद्योगपुरी एवं आंध्रप्रदेश रो कृष्णपट्टनम रे उद्योग पई जमी अलॉटमेंट काम जारी रहिछि। अन्य 4 सहरर मध्ये सरकार भित्तिभूमि निर्माण प्रक्रिया रे अछन्ति। सूचना थाउ कि मोदी सरकार एहा पूर्वरु 2015 रे सहरर विकास माई स्मार्ट सिटी योजना आनिथिले। एहा अनुजाई देशर 100 सहर को स्मार्ट सिटी करबा पई योजना हातक निया जायथिला। एहार प्रमुख उद्देश्य मध्ये रहिथिला सहरर नागरिक मानकर जीवन मानरे सुधार, नागरिकक सुरक्षा, दुर्लभ संबलर सठिक विनियोग, नगर निगमर सेवाकु आहुरी सुगम करबा, प्रजुक्ति विद्याकु विभिन्न क्षेत्रर व्यवहार करबा, स्मार्ट मीटर, पानीय जलर अपचय रोकिबा पई लीकेज आइडेंटिफिकेशन, सहरर विभिन्न स्थानरे CCTV लगाजिबा, मागणा इंटरनेट इत्यादि अनेक किछि व्यवस्था करा जिवो। एही योजना अनुजाई मोट 2,03,979 कोटी टंकार बजेट आकलन होइथिला।
ସେଥିରୁ 164,163 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିସାରିଛି। ସେଥିରୁ 144,530 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁଲାଇ 24 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 8,018 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 7,200 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ସରିଛି। ବିଜନେସ୍ ବିଶେଷକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ।